हेलो एंड वेलकम टू बागवानी ज्ञान यूट्यूब चैनल। जनवरी के महीने में आपको अपने बगीचे में कौन कौन से काम करने चाहिए, आज की एपिसोड में हम इस बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, इसी तरह की बागवानी संबंधित वीडियोज़ देखते रहने के लिए। बागवान भाइयों, इसमें आपका जो पहला काम होना चाहिए बगीचे में वो है अपने बगीचे की मिट्टी की जाँच करवाना। सॉइल टेस्ट यानी मिट्टी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। सेब बागवानी के लिए सॉइल का सही पीएच होना ज़रूरी है। सॉइल टेस्ट यानी मिट्टी परीक्षण करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ज़मीन का पीएच कितना है, कौन से तत्व की कमी है और कौन से तत्व की अधिकता है। इसके आधार पर ही आप खाद डालें और जो कमी है ज़मीन में उसे भी दूर कर सकते हैं। इस समय आप अपने बगीचे के चारों कोनों से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें जांच के लिए नौणी विश्वविद्यालय या मशोबरा या फिर किसी निजी यानी प्राइवेट प्रयोगशाला में भी दे सकते हैं। कुछ युवा बागवानों ने भी मिट्टी की जांच के लिए स्टार्टअप शुरू किए हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिसनर उनमें से एक है। अगला काम जो आप कर सकते हैं अपने बगीचे में वो है पौधों की ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। आप इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं, किसी अच्छे और अनुभवी प्रूनर से ही प्रूनिंग करवाएं। आप पंकज नेगी, डिंपल पांचटा या फिर राकेश छाजटा जी के प्रूनिंग मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपने बगीचे की हाइट, क्लाइमेट कंडीशन, पौधों की एज और पौधों की वैरायटी के आधार पर ही प्रूनिंग करें। स्पर में अलग तरह की कांट छांट की जाती है और नॉन स्पर किस्मों में अलग तरह से प्रूनिंग की जाती है। वहीं अगर आपके बगीचे में धूप ज़्यादा पड़ती है तो प्रूनिंग करते समय खास ध्यान रखें, पौधों को थोड़ा घना रखें, मोटे कट ना लगाएं। ऐसी जगहों पर प्रूनिंग के बाद आए घावों पर वाइट पेंट ज़रूर लगाएं, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि घाव को पानी से भी बचाएगा और सैप को भी बाहर नहीं आने देगा और धूप का असर भी नहीं होगा क्योंकि सफ़ेद रंग धूप को रिफ्लेक्ट करता है। चौबाटिया पेस्ट अगर आप घर पर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, मार्केट वाला मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। आप ब्लैक जापान पेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शेडी साइड में ही लगाएं। अगर ज़्यादा धूप वाली जगह पर लगाओगे तो पौधों को नुकसान हो सकता है क्योंकि काला रंग जो है वो धूप को ऑब्जर्व करता है। प्रूनिंग हो जाने के बाद मौसम के अनुसार आप बोर्डो मिक्सचर की स्प्रे कर सकते हैं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो मार्केट में ब्लाइटॉक्स के नाम से मिलता है उसकी स्प्रे कर सकते हैं। इन स्प्रे करने का ये फ़ायदा होगा कि पौधों पर जितनी भी तरह के फंगस या बीमारियों के बीजाणु होंगे वे नष्ट हो जाएंगे। साल 2019 में अगर आपके बगीचे में स्कैब, अल्ट्रेनिया, लाइकेन विंची, मार्सनिना ब्लोच इनमें से कोई बीमारी अगर आई है तो ब्लाइटॉक्स या बोर्डो मिक्सचर की स्प्रे करें। बीमारी युक्त पत्तियों और टहनियों को दबाकर या जलाकर नष्ट करें। इस महीने एक और जो ज़रूरी काम आप कर सकते हो वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस महीने आप गाय का गोबर भी पौधों के तौलियों में डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि गोबर को पौधों के तनों के ज़्यादा नज़दीक ना डालें। यहाँ बात की जाए क्वांटिटी यानी गोबर की मात्रा की तो पौधों की एज के मुताबिक ही गोबर डालें। गोबर पूरी तरह से गला सड़ा होना चाहिए। अगर धूप वाला बगीचा है आपका तो आप थोड़ा कच्चा गोबर भी डाल सकते हैं। इस समय आप नर्सरी से पौधों को उखाड़ने और बेचने का काम भी शुरू कर सकते हैं और नई नर्सरी उगाने के लिए नर्सरी बेड भी तैयार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सभी बागवानों को अपनी खुद की नर्सरी तैयार करनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन नतीजे बेहतर है। बजाय बाहर से महंगे महंगे पौधे खरीदने के बागवान खुद भी अपने लिए पौधे तैयार कर सकते हैं। गोल्डन सेब तो सभी के घर पे इस वक्त मिलेगा ही, बागवान उसके बीज इकट्ठा करके भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जो सबसे बेहतर बीज होता है वो है क्रेव एप्पल का बीज। जनवरी के महीने में आप पौधारोपण ना करें, इस समय बगीचों में पौधे ना लगाएं क्योंकि इस समय पौधों की जड़ों में फ्रीजिंग होने का खतरा बना होता है। अगर किसी कारणवश आपको नए पौधे लगाने पड़ रहे हैं, लेबर की कमी हो या फिर किसी और वजह से लगा रहे हो तो पौधों को लगाने के बाद तौलियों में एक बाल्टी पानी ज़रूर डालें, इससे पौधों की जड़ों में फ्रीजिंग होने का खतरा कम हो जाएगा। वहीं अगर आपकी ज़मीन एस्टिक है तो पौधों के तौलियों में चूना डालने का काम भी जनवरी के महीने में करें। अगर ज़मीन एल्कलाइन है यानी पीएच 7 से ऊपर है तो सल्फ़र डालें। साल 2019 में अगर आपने पोटाश और नाइट्रोजन की खाद अलग अलग डाली है तो इस महीने फास्फोरस पौधों के तौलियों में डालना ना भूलें। सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल सकते हो इस समय। ये खाद पौधों की जड़ों के लिए भी लाभदायक है, इससे जड़ों में वृद्धि होती है।
कुछ बागवान इसमें 12 32 वाला खाद डालते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। फास्फोरस के अलावा इसमें कोई भी खाद ना मिलाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं, उसके आधार पर ही खाद और उसकी मात्रा तय करें। 3 से 4 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं। वहीं अगर आप मटर लगाना चाहते हो तो इसमें मटर बिजाई के लिए खेत तैयार कर लें। खुदाई से पहले पूरे खेत में गोबर जरूर मिलाएं। लगातार मटर बिजाई करने से खेत में रुकापन आ सकता है क्योंकि मटर को नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप चाहते हो कि मेरा अगला वीडियो आपके किसी टॉपिक पर हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह की बागवानी संबंधित वीडियोज़ देखते रहने के लिए।